अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और इस रमज़ान के महीना में आप सबकी हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन या रब। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और ये देखिए मैं यहाँ पर ही हमारी फ्रिज की क्लीनिंग और सफाई बाकी थी, तो वहीं यहाँ मैं फ्रिज साफ कर रही हूँ। जितना उसके मतलब पार्ट थे ना, सारे पार्ट को मैं यहाँ नल सामने खोल के ले आई और उसको अच्छा से मैं यहाँ पर ही साफ कर रही हूँ। घर की सफाई हो गई थी, फ्रिज की मैं सफाई नहीं की थी। और इधर मैं सना को बोल दी थी कि सना, आप थोड़ा बेटा मेरा मदद कर दो, घर की ना आप बेडशीट वगैरह अच्छा से मतलब मैं समेट दो बोल के। और ये देखिए फ्रिज एकदम खाली है हमारी और बहुत ही मतलब गंदी हो गई है। ये पीला पीला टाइप के दिख रहे होंगे आपके, तो फ्रिज के भी हम लोग क्लीन करेंगे। और इधर बर्तन भी हमारी पड़ी है और बर्तन भी अभी हमें वॉश करना है। और फजीर में मैं उठी थी, उसी टाइम कपड़ा वॉश कर दी थी तो कपड़ा सूखने को आई। और सॉरी मैं फजर की मतलब सहरी की आपको शूट करके नहीं सकी वीडियो। और इधर हमारी कालू, और उसके बाद फाइनली इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही और उसके बाद इसे अच्छे से मैं अभी कपड़े से पोंछ दे रही हूँ कि पानी उनी जमा ना रहे, सूख जाए बोल करके। तो इधर हम फ्रिज इधर हम साफ़ कर लिए हैं। और सना भी देखिए माशाल्लाह बेड की अच्छे से चादर वगैरह को अच्छे से वो लगा दी और घर भी वो झाड़ू पोछा कर ली। और उसके बाद फिर हमारा जो बरामदा है वो हमारा पोछा लगना बाकी था, तो यहाँ सना पोछा लगा रही है। और यहाँ जोहर के टाइम हो गए हैं, सना नमाज़ पढ़ रही है इधर, मैं नमाज़ पढ़ ली और इधर तराना भी नमाज़ पढ़ ली और कुरान पढ़ रही है। और मैं बोली चलो अभी डिनर और अफ्तारी की तैयारी करने पड़ेंगे, तो मैं किचन में आ गई और यहाँ से मैं फ्रिज से ये मेरी मैंने निकाल ली हूँ, ये मटन है इसमें। और यहाँ से मसाला ले लेते हैं चलिए, तो ये हाफ किलो मटन है और मटन और गोश्त पकाऊंगी आज। तो यहाँ से मैं मसाला ले लेती हूँ और मसाला को भी वॉश करती हूँ, मटन को भी वॉश करूँगी और इसको अच्छा से अभी काट लूँगी। तो चलिए मैं पहले काट लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने मसाला वॉश करके और काट भी ली हूँ और इधर हमारी मटन भी वॉश हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी बनाते हैं। अभी मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ मैं सिंपल से सारा खाना बनाती हूँ लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच में ऑयल ऐड कर दूँगी, उसके बाद यहाँ हमारी प्याज ऐड कर दूँगी, प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पर ही हमारा वो जो गोश्त है उसे ऐड कर दूँगी। और उसके बाद फिर इसमें मसाला ऐड कर दूँगी, हल्दी नमक ऐड कर दूँगी और उसके बाद फिर इसे भूनूंगी। तो चलिए उधर हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स उधर हम तरकारी बना बैठा दिए हैं और इधर कीमा की तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ गोश्त है जिसमें कीमा कर रही हूँ और ये कबाब बनाऊंगी, मटन कबाब। तो ये देखिए यहाँ हल्दी और प्याज मिर्चा खड़ा लहसुन और अदरक का टुकड़ा मैं ऐड कर दी और यहाँ पर ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं यहाँ पर ही ऐड कर दी और इसको मिलाऊंगी अच्छा से। और ये देखिए एक छोटे से प्याली में हाफ प्याली यहाँ बेसन ऐड कर दी और इसको अभी चलिए बैटर बनाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी बैटर बनके तैयार हो गई, बस इतनी गाढ़ी रखना है, ना इससे पतला और ना इससे मोटा। तो चलिए फ्रेंड इसे ढाँप देते हैं और 2 घंटा के लिए इसे छोड़ देते हैं। तो इधर देखिए हमारी मटन बनके तैयार हो गई है और इसे मैं 3-4 सीटी लगाई और इसे देखिए अब भूनने की लायक क्या ये हो गए हैं। तो चलिए कुछ इसमें सूखा मसाला ऐड कर देते हैं और जो कटा हुआ आलू है उसे भी ऐड कर देते हैं। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला ये मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें कटे हुए आलू ऐड कर देंगे और इसे भूनेंगे। सो फ्रेंड इसे तब तक भूनेंगे जब तक मसाला में ऑयल ना छूट जाए। तो देखिए इधर भूनते भूनते हमारी मसाला एकदम से मतलब ग्रेवी कितना गाढ़ी हो गई है। इसे बस और थोड़ा सा भूनना है जब तक इसमें ऑयल ना छूट जाए।
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मसाला में हमारी ऑयल छूट गई है, तो ये हमारा एकदम से भुना चुकी है। अब चलिए इसमें ग्रेवी लगा देते हैं। तो ग्रेवी लगाने के लिए मैंने इसमें 2 कटोरी पानी ऐड की हूँ, क्योंकि आलू भी ऐड करने से फ्रेंड्स आलू में भी पानी खींचते हैं, तो उस कटोरी में 2 कटोरी मैंने पानी ऐड कर दी। इसे अब 2 सीटी लगाऊँगी और उसके बाद ये हमारे मटन आलू की सब्जी बन के तैयार हो गई। और चलिए इसे अब छोड़ देते हैं और इधर हमारी चना मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड खड़ा होकर मैं थक गई हूँ, इसीलिए मैं एक के साथ सारा चीज़ ऐड करूँगी और इसे भी बहुत अच्छा बनाऊँगी। यहाँ मोटे मोटे प्याज ले ली हूँ 1 काट के, और अदरक लहसुन का पेस्ट ले ली हूँ, और 2 टमाटर ले ली हूँ, आलू और चना ले ली हूँ, और यहाँ सूखा मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, मिर्ची पाउडर वगैरह सब कुछ मैंने ले लिए हैं, और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दी। और मैं भूल गई सूट करने, जब मैं ऑयल ऐड की, ऑयल में 1 चम्मच ऐड की हूँ। अब इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर दूँगी और इसे भी 2-3 सीटी लगाऊँगी, तो ये भी हमारा चना मसाला बहुत ही मज़े की बनेगी। अब पता नहीं मैं इधर कैमरा क्या करने लाई थी। और फिर उसके बाद ये देखिए इस कटोरी में पानी ऐड कर दी और इसके अभी ढक्कन लगा दूँगी और इसको भी बैठा दूँगी, 2-3 सीटी लगाऊँगी, तो इधर हमारी ये बन जाए। उसके बाद फिर मैं ये चना को बैठा दूँगी। और ये कुछ खाना है रात के, मुर्गी बहुत ही मतलब भूखे थे, तो मैं बोली चलो मुर्गियों को दे देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमारी मुर्गी खा रहे हैं। मुर्गा तो हमारी बहुत ही शैतान है, मुर्गियों को खाने नहीं देते हैं। और इधर हमारी फिर बन गई, और इधर फिर मैं बच्चे की फरमाइश से बना रही हूँ गुलगुल्ला। और गुलगुल्ला बनाने के लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं, बस थोड़े से गुड़ को मैं पानी में घोल दी और उसके बाद आटा में नमक दे दी और गुड़ वाला पानी में दे करके इस तरह का बैटर बना ली। तो ये बैटर हमारी बन के तैयार हो गई है। इस बैटर को भी चलिए अच्छे से अभी ढाँप के रख देते हैं और इसे भी 1 घंटा या 1/2 घंटा के लिए। अब फ्रेंड्स असर की टाइम हो गई है, मैं अभी नमाज़ पढ़ूँगी। तो इधर देखिए हमारी मटन आलू बन के तैयार हो गई तरकारी, तो चलिए इसे उतार देते हैं और चना बैठा देते हैं। ये हमारी चना हमने बैठा दिए हैं, अब चलिए असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी अफ्तारी करने के लिए बस 1/2 घंटा ही बाकी है, तो इधर मैं इस कबाब को छाँकूँगी और उधर फिर जो बच्चों की फरमाइश की गुलगुल्ला थे वो मैं छान रही हूँ। यहाँ कुछ कच्चा केरी है जो तराना है, सब काट रही है और ये सब कुछ लिए कर लेते। तो हमने छान लिए हैं जो जो छानने का, और यहाँ पर ही मैं फ्रूट काट कर रही हूँ। और ये देखिए बच्चे बैठ के दुआ मांग रहे हैं।